उससे रेलिवेंट होगा आज की तारीख में। सर एक सवाल, एक अंतिम सवाल, सर कंगना रनौत ने कहा है, सर कंगना रनौत ने कहा है कि वो जानती है शक्ति मोदी सर सर ये तीनों आपके रडार पे हैं और ये बुराई जांच कर रहा है। अरे थोड़ा भाई मैंने आपने क्या कहा, थोड़ा माइक नीचे कंगना रनौत जिसका नाम लेंगे आप चार नाम लेंगे कंगना रनौत, कंगना रनौत ने जो डिटेल साझा की है उसको लेकर के आप जांच करेंगे। अरे भाई थोड़ा नीचे लो ना, अरे थोड़ा नीचे लो, अगर शेयर करते हैं तो हम देखेंगे। अरे थैंक यू, थैंक यू। सवाल पूछिए ना आप, मेरा सवाल यही है कि नया के बारे में आगे किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन होने। देखिए हमने आज इसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, ठीक है, सैमुअल मिरांडा का लिया, दो लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड इसलिए लेते हैं क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठाते हैं, उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सके, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको समझ लेके बुलाएंगे, जिसमें पुलिस कस्टडी रिमांड ऑफ 2 more persons सो दैट मेक्स 4 people with us who are under custody remand. Whole morning they have been busy in the court, my officers have been busy in the court. I just come, we will sit together now and look at the whole situation and decide our plan of action. If you have to have anything to ask, you can even ask, please. Sir, Bollywood connection kya hai? This case has given us an inkling into the network and the extent of the penetration. Let me put it this way. आज की जो गिरफ्तारी और रिमांड हुई है सर, सर आज की जो गिरफ्तारी और रिमांड हुई है उसमें सिर्फ चैट ही थी क्या, क्रूशियल एविडेंस भी मिले थे और कुछ सीजर्स भी हुए हैं? नीचे लो ना भाई, धूम नीचे लो ना यार। सर ये वाला जवाब एक बार मैं हिंदी में दे दूंगा, बट थोड़ा रुक जाइए, हिंदी में दे दूंगा। देखिए मैडम, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो जो कड़िया है हम अपने पीपी को साथ में रखते हैं, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूशन जवाब तो पूरा नहीं दो, एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठोस और ठोक बजा के आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी अगर इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा तो सर जया शाह को बुलाएंगे, दीपेश सावंत को क्या अप्रूवल बनाया गया है। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपको, अरे आज तक किसी भी जो केस दर्ज करती है ना वो कंप्लेंट केस होता है, वो इंटरस्टेट कनेक्शन। नॉर्मली वी लुक एट इंटरनेशनल एंड इंटरस्टेट कनेक्शन, वी लुक फॉर द बिग फिश। नॉर्मली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर मैंडेट, बट नाउ दैट वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन वी डू नॉट शर्क अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल टेक इट टू लॉजिकल कस्टडी रिमांड is to make people confront each other to clarify their individual roles. So yes, we will be asking her to join the investigation, maybe some other people, because we also need clarity who did what, and that is the point of custody remand.
So I am telling you that we will be asking you to join the industry. Sir, हो गया हिंदी का सर. रिया को संबंध तब तक भेजा जाए क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव. और बॉलीवुड नेक्सस को लेकर के किस तरीके के सबूत सामने आए हैं, खासकर ड्रग्स एंगल के. यहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है. नो स्पेकुलेशन प्लीज. लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. सर बॉलीवुड सुशांत के अलावा बॉलीवुड चलाना थोड़ा थोड़ा यार. देखिए इस केस से मैं निकालूंगा. देखिए नॉर्मली सारी ये जो इन्फॉर्मेशन इस समय हमारे पास है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में जो आप लोगों ने हमें मीडिया ने जो सपोर्ट किया है एनसीबी को, उसके बाद और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी, दूसरी एजेंसीज के पास आएगी और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो. रिया चक्रवर्ती भी सवाल है, रिया चक्रवर्ती भी उसको कॉल दें तो बहुत बड़ी सवाल है. एनसीबी रिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड दी अदर एजेंसीज हैव बीन नोइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ड्रग सर्कुलेट इन ओपन सीक्रेट, बट नेवर बिफोर सच एन एक्शन हैज बीन टेकन. एनसीबी सीम्स टू बी वेरी स्विफ्ट दिस टाइम अराउंड. व्हाट कैन बी एक्सप्रेस मिस्टर ए लिस्टर My question is, will the question or it is only the